नमस्कार दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मक्का और सोयाबीन के समर्थन मूल्य के बारे में और इसके बोनस या भावांतर भुगतान के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँच सके और वो उसका लाभ ले सकें। जिन किसानों ने भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन कराया है, अभी वो अपनी सोयाबीन या मक्का बेच रहे होंगे मंडी में, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा जो ध्यान रखनी है। पहली बात तो यह है कि आपने पंजीयन कराया हो कहीं पर भी तो आप उस जिले की कोई सी भी मंडी में बेच सकते हैं। हालांकि दूसरे जिले की मंडी में भी बेच सकते हैं, लेकिन आपके जिले की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आपके नज़दीकी जो मंडी हो वहीं पर आपको बेचना है, आप कहीं भी जाके बेच सकते हैं। दूसरा बात है तो जो पंजीयन का जो कागज़ है वो आपको साथ में ले जाना है। जब आप अपनी सोयाबीन बेचेंगे या मक्का बेचेंगे तो वो उनको पंजीयन नंबर वहाँ पे लिखाना है और जो आपकी बेचने की जो स्लिप रहेगी वो भी उनको वहाँ पे दिखानी है, तो वो वहाँ पे नोट कर लेंगे इसके बारे में मंडी में। तो जैसे सोयाबीन की बात करते हैं, सोयाबीन चाहे किसी भी भाव में बिके, अभी जो रेट चल रहा है सोयाबीन का वो 2800 से लेके 3220 या 3215 के आसपास चल रहा है। तो किसान का जो भी सोयाबीन है वो उस रेट से बिक जाएगा। माना 3100 रुपये क्विंटल बिका तो उसका वो 3100 रुपये क्विंटल के भाव से उसको पैसे हाथ के हाथ मिल जाएंगे या उसके अकाउंट में आ जाएंगे। जो भी तरीका है मंडी का उस तरीके से वो उसके खाते में आ जाएंगे। और जो भावांतर का जो पैसा है उस पर 500 रुपये पर क्विंटल मिलना है, चाहे आपका सोयाबीन किसी भी भाव बिके। सोयाबीन का जो समर्थन मूल्य है वो 3390 रुपये क्विंटल है, यानी किसान को 3390 रुपये के भाव से पैसा मिलने चाहिए अगर वो समर्थन मूल्य पे भावांतर भुगतान में पंजीयन करवाता है। लेकिन आपका सोयाबीन किसी भी रेट बिके, चाहे 2800 बिके चाहे 3200 बिके, वो आपको 500 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से पैसा देंगे। और ऐसा ही मक्का में है। मक्का का जो समर्थन मूल्य है वो 1700 रुपये है और मक्का के जो भाव अभी मंडी में चल रहे हैं वो है 1120 से लेकर 1350 तक। और जो मक्का का समर्थन मूल्य है वो है 1700 रुपये क्विंटल। तो किसान का मक्का मंडी में किसी भी भाव बिके उसको 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाएगा उसके खाते में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसान मंडी में अपनी सोयाबीन, मक्का या अन्य फसल जो उसने भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन कराया है वहाँ बेच के वो मंडी में आ जाएगा और उसका जो बाद वाला जो पैसा है भावांतर वाला, वो पैसा उसके खाते में अपने आप आएगा 15 से या 20 दिन बाद, या जब निश्चित किया जाएगा उसके बाद वो पैसा ऑटोमेटिक उनके खाते में आ जाएगा। और अगर उस खाते में कुछ गड़बड़ी होती है या पैसा नहीं आ पाता है तो आप कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं, या अगर आपका खाता वगैरह कुछ गलत है तो कृषि विभाग के जो अधिकारी रहेंगे वो आपसे संपर्क कर लेंगे और उनको पूरा भावांतर भुगतान योजना का लाभ मिल जाएगा। दोस्तों, ये योजना केवल मध्य प्रदेश के किसानों के लिए है, क्योंकि जो भावांतर भुगतान योजना है वो केवल मध्य प्रदेश में ही चल रही है। तो दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए डिजिटल खेती।